इकबाल सिंह के सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में संविदा कर्मियों के समर्थन में धरने पर बैठने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हड़ताली कर्मचारियों के सामने झुक गया है। धरने पर बैठे 600 संविदा कर्मियों की बहाली करते हुए निजी कंपनी का टेंडर निरस्त किया गया है। संविदा कर्मियों के साथ धरने पर बैठे शिवपाल एवं उनके पुत्र आदित्य के सामने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने हड़तालियों की शर्तें मान ली हैं। शिवपाल ने सभी कर्मचारियों से ड्यूटी पर जाने को कहा। वहीं मीडिया से बात करते हुए शिवपाल ने बताया कि सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की दुर्दशा को लेकर डिप्टी सीएम एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफाई यूनिवर्सिटी आने का भी निमंत्रण दिया है। शासन दिया था, शायद फाइल पर भी चला होगा, फाइल पर भी चला है तो, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने जो नेताजी का सपना था, हम लोगों का सपना था, हम लोगों का सपना था कहीं एक जिले के लिए नहीं, सफाई के लिए नहीं, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, फिरोजाबाद, एटा, सभी में लगातार लोग धरने पर बैठे हैं, किस तरह का इनको लेकर है और आप क्या आगे कार्रवाई के लिए करेंगे? पीछे रखो ना मोबाइल, माइक बंद करें, माइक यहाँ से जो मोबाइल पीछे रखो यार, सैनिक कल्याण निगम के किसका रहे संविदा लगे और बहुत से लोगों की यहाँ करीब जमीनें गई हैं, तो वो सब संविदा पे यहाँ नौकरी कर रहे थे, जिनको करीब करीब 16 साल हो चुके हैं, जिनकी उम्र 45 साल 50 साल हो चुके हैं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको जानबूझकर हटाने का काम किया है, कुछ बेईमान है प्रशासनिक अधिकारी, तो उनकी जो मांग थी तो उन कर्मचारियों को रखा जाए, जो वेतन उन्हें मिल रहा था सैनिक कल्याण निगम का नियम है उसके अनुसार उन्हें लगभग पड़ता है 23,000 से ऊपर, मिश्रा जी थोड़ा नीचे रखो, सब मिला करके जैसे वेतन है उनको 15,000, सब सुविधाएँ मिल करके उनको 23,000 के करीब पड़ता है। अब यहाँ से टेंडर पड़ा है उसमें 9,000 और ड्यूटी लेंगे ज़्यादा, 8 घंटे की ड्यूटी लेना चाहिए, अब ड्यूटी लेंगे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो ये टेंडर गलत प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ मिल करके अपने रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर, मैंने तो सुना है कहीं उसका बेटा है CA, उसके माध्यम से इन्वॉल्व करके वो टेंडर कर दिया है। तो ये बैठे हैं धरने पर, तो हम अभी इनसे बात करी है, उनकी समस्या को सुना, आश्वासन भी दिया है मैंने, डीसी साहब से भी बात करी, प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करी, तो जो बात करी है तो ये सब बहाल होना चाहिए, इन्हीं को जो सैनिक कल्याण निगम का जो निगम है उसी के द्वारा देना चाहिए।